ये कहानी हिमाचल प्रदेश के सिर्फ एक ट्रैक की नहीं है, बल्कि उस सपने की है जिसे मैं पिछले 3 साल से देख रहा था। और अब फाइनली जब वो सपना पूरा करने का टाइम आया, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो अगर आप भी मेरे साथ हिमाचल प्रदेश के इस वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक तक का सफर करना चाहते हैं, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। गुड मॉर्निंग गाइज, सो इट्स 7 AM इन द मॉर्निंग और सुबह के पहले ही वीडियो में मेरा माइक थोड़ा सा बेहोश हो गया था। तो यहाँ मैं बता रहा था कि आज का वेदर बहुत ही सही है और यहाँ रात से कंटिन्यूसली ड्रिजलिंग हो रही थी। और आज हमारा एक्चुअल भृगू लेक ट्रैक स्टार्ट होगा, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इसके लिए। तो जल्दी से रेडी हो जाते हैं और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब वैसे तो हमारी आज की मंजिल भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि जाने से पहले एक आखिरी बार इस बेस कैंप की वाइब को भी एब्जॉर्ब कर ही लेते हैं। वैसे अगर मैं फटाफट से आपको अपना कैंप दिखा देता हूँ मैं, तो यहाँ ये कैंप है और एक चेन यहाँ से खुलती है और इसके अंदर फिर एक और चेन है। 2 लेयर इसलिए होता है क्योंकि पहली वाली जो लेयर है वो वाटर प्रूफिंग के लिए होती है, जिससे कि पानी वानी अंदर ना आ जाए। और ये जो दूसरी लेयर है ये इसलिए होती है ताकि कोई जानवर वगैरह अंदर ना आ जाए, जानवर मतलब बेसिकली कुछ कीड़े मकोड़े टाइप। और यहाँ से ये कैंप ऐसा दिखता है, अंदर नीचे गद्दे वद्दे लगे हुए हैं, यहाँ 2 ब्लैंकेट्स दे रखे हैं। हालांकि ब्लैंकेट अभी मुझे एक ही चाहिए था क्योंकि रात को ज़्यादा ठंड नहीं थी, बट हाँ जब ऊपर ट्रैक पे जाएंगे तो वहाँ शायद 2 ब्लैंकेट्स की ज़रूरत हो सकती है। और यहाँ ये मेरे बैकपैक वगैरह हैं, सब पैकिंग वगैरह कर ली मैंने और अभी 9:15 बज गए हैं, बस 10-15 मिनट में निकलने वाले हैं ट्रैक के लिए। यहाँ से आप लोग गाड़ी में जाएंगे। तो हमारे टूर गाइड ने हमें पूरे ट्रैक का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया और फाइनली 10:30 बजे हम लोग गुलाबा के लिए निकले, जो कि हमारे इस ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब वैसे तो मनाली से गुलाबा तक का रास्ता सिर्फ 1/2 घंटे का है, लेकिन इस रास्ते पे जब आपको यहाँ की लश ग्रीनरी और स्नो कैट माउंटेन्स का व्यू देखने को मिलता है, तो मन तो यही कहता है कि काश ये रास्ते कभी ख़त्म ही ना हो। मुझे तो मानो इन रास्तों से प्यार ही हो गया था, और हो भी क्यों ना, एक राजस्थान का बंदा जब हिमाचल के ऐसे नज़ारों को देखेगा तो प्यार होना तो लाजमी भी है। तो गाइस हम लोग गुलाबा पहुंच चुके हैं और ये वाला जो रास्ता है ये आगे रोहतांग के लिए जाता है और यहाँ से हमारा भृगू लेक ट्रैक स्टार्ट होगा, ये जो रास्ता देख रहे हो आप। और पूरा यहाँ पे क्लाउड कवर है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्लाउड्स ही दिख रहे हैं इस टाइम पे, बहुत ही बढ़िया व्यू है भाई। सो गाइस ये मनाली का वेदर इतना जल्दी चेंज होता है, अभी यहाँ से पूरा ये पूरा क्लाउड में कवर था, कुछ नहीं दिख रहा था, एकदम से पूरे सारे क्लाउड्स हट गए हैं और देखो पूरा वैली दिख रहा है यहाँ से ऊपर, वहाँ माउंटेन्स जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। वो अभी 5 मिनट पहले तक सब कुछ क्लाउड में कवर था, अब अचानक से क्लाउड कवर हटा है, थोड़ा सा दिख रहे हैं जैसे हमारे लिए कवर हटा हो जैसे क्लाउड्स का। और देखो यार क्या व्यू है भाई। ग्राफिक डिजाइनर कंपनी ये फर्स्ट ट्रैक है ना आपका दोनों? हाँ। आपका? मेरा नाम है उपेंद्र, मुंबई में रहता हूँ मैं और मैं भी कंपनी में जॉब करता हूँ कॉर्पोरेट। मेरा नाम अभिषेक है और मैं राजस्थान से हूँ और मैं यूट्यूब वीडियोज बनाता हूँ। मेरा नाम संजय है, संजू बोलते मेरे को, ठीक है, मैं आपके साथ एज ए गाइड रहूंगा। तो ये था हम तीनों का और हमारे टूर गाइड का इंट्रोडक्शन। और हाँ, हमारे ग्रुप में हम सिर्फ 3 ही लोग थे और भृगू लेक जैसे ट्रैक पे इतना छोटा ग्रुप होना एक काफी रेयर बात है। खैर इन रास्तों को अच्छे से निहारने के बाद अब टाइम था अपना ट्रैक शुरू करने का, और ट्रैक शुरू करने के 5 मिनट बाद ही दिस वॉज माई रिएक्शन। सो गाइस 5 मिनट्स इनटू द ट्रैक और हमारी हालत खराब हो गई है, लेकिन व्यूज बहुत ज्यादा सुंदर है। लेकिन अभी स्टीप देखो आप, ऑलरेडी हम लोग वहाँ से नीचे जाए और अब वो देखो। कुछ 1/2 घंटे तक इन स्टीप और स्लिपरी रास्तों पे ट्रैक करने के बाद हमने आज का अपना फर्स्ट ब्रेक लिया
तो गाइस अभी हम लोगों ने लंच ब्रेक लिया है और लंच में सैंडविच है, एक चॉकलेट है, फ्रूटी है और बिस्किट है। और अभी तक की सबसे बेस्ट बात है कि इस पूरे ट्रैक में अभी तक कोई भी नहीं मिला हम लोग को, अभी तक हर जगह सिर्फ हम लोग ही हैं और ये नज़ारे हैं। 10,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पे इन नज़ारों के साथ ये अभी तक की मेरी लाइफ का बेस्ट लंच ब्रेक था। 10 मिनट के लंच ब्रेक को इन गॉसिप के थ्रू आधे घंटे तक एक्सटेंड करने के बाद हमारे गाइड ने हमें याद दिलाया कि आगे की जर्नी भी अभी काफ़ी लंबी है। तो गाइस हम लोग हमारा पूरा रैपर्स वगैरह यहीं से पैक करके ऊपर लेके जा रहे हैं और वहाँ कैंप साइट में हमारी जो डस्टबिन होगी हम लोग इसे वहाँ डंप करेंगे। और अगर आप लोग भी यहाँ पहाड़ों वगैरह में किसी ट्रैक वगैरह पे आते हो तो अपना कोई भी किसी भी तरह का कोई अपना प्लास्टिक वगैरह हो गया, कोई रैपर्स वगैरह हो गए, वो सब यहाँ गंदगी मत फैलाना, प्लीज़ अपने साथ लेके जाना डस्टबिन में, जहाँ ऊपर आपकी कैंप साइट पे वहाँ डस्टबिन हो वहाँ डंप करना, वरना पूरा नीचे तक अपना हिमाचल से बाहर ही ले जाओ चाहे, बट यहाँ पहाड़ों में प्लीज़ बिल्कुल भी गंदगी मत करना, कीप द माउंटेंस क्लीन। अब वैसे तो इस जगह की खूबसूरती को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप खुद यहाँ आकर इसे एक्सपीरियंस ना कर लें, लेकिन अगर मेरे एक्सपीरियंस से बताऊँ तो ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। आपको हर 10 मिनट पे ऐसे नज़ारे दिखेंगे कि आप चाह कर भी इनसे अपनी नज़रें हटा ही नहीं पाएंगे। ये व्यू देखो यार, ये ग्रास लैंड यहाँ पे कितना प्रिटी लग रहा है। एक चीज़ देखूँ, ओह एकदम बजरंगी भाईजान में जो कश्मीर वाला सीन था ना, एकदम एकदम वही लग रहा है यार। वो वहाँ के ट्रीज, वो ग्रास लैंड, वो ट्री लाइन, पहाड़ बहुत बढ़िया यार। कहाँ आ गए यार, जन्नत है यार ये जगह, एकदम जन्नत। देखो यार क्या व्यूज है। ओह और बेस्ट चीज तो ये कि कोई है नहीं इस ट्रैक पे यार, मतलब जब से स्टार्ट किया था ना, जब से लेके अब तक हमको कोई नहीं मिला। हम 3 लोग हैं बस और हमारे 2 गाइड हैं, सिर्फ वही लोग हैं और कोई नहीं है इस ट्रैक पे यार, और वो भी संडे के दिन मनाली में। कैन यू इमेजिन दैट, इतनी पीसफुल जगह और व्यूज के तो खैर क्या ही कहने। वहाँ से ऊपर से क्लाउड्स भी हट गए और अब बर्फ दिख रही है, बहुत सही। पता नहीं कैमरे में अच्छी कैप्चर हो पाएगी या नहीं, पर बहुत सही बर्फ दिख रही है और ये पूरा ग्रास लैंड है। गाइस इस तरह की जगह पे आके कहीं बैठ के थोड़ी देर रिलैक्स करना या कोई बुक पढ़ना एक अनमैचेबल एक्सपीरियंस है, और बुक पढ़ने से भी ज़्यादा ईजी और कन्वीनियंट है ऑडियो बुक्स को सुनना। और ऐसे में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कुकू FM। कुकू FM इंडिया का लार्जेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां आपको काफ़ी सारी रीजनल लैंग्वेजेस में 4,000 से भी ज़्यादा ऑडियो शोज सुनने को मिलते हैं। करंटली मैं इनकी एक बुक समरी थिंक लाइक ए मंक को सुन रहा हूं। थिंक लाइक ए मंक एक इंडियन राइटर जय शेट्टी की बुक है, और इस बुक को पढ़ने के बाद लाइफ का एकदम पर्सपेक्टिव ही बदल गया। एक इंपॉर्टेंट टिप जो मैंने इस बुक से सीखी है वो ये कि किस तरीके से हम अलग अलग सिचुएशंस में अपने माइंड को स्टेबल रख सकते हैं। इसके अलावा भी इस बुक में आपको काफी सारी लर्निंग्स मिलती है, और अगर आप भी इस पूरी ऑडियो बुक को सुनना चाहते हैं तो आप कुकू FM का एनुअल सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो कि आपको नॉर्मल केसेस में 399 rupees का मिलता है, लेकिन अगर आप मेरा स्पेशल कूपन कोड travel50 यूज करते हैं तो आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको ये पूरा सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 rupees पर ईयर में मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए अब आगे चलते हैं। वहाँ एक झरना बह रहा है, वो देखो ये वाला जो है ये बहुत, मतलब यहाँ तक आवाज़ आ रही है, पता नहीं कैमरे में कितना कैप्चर हो पा रहा है। और यहाँ से वैली कितनी स्टीप है और एक क्लाउड्स ऊपर आते जा रहे हैं। यहाँ से व्यू देखो यार, अब मैं कैमरा घुमाऊँगा ना आप देखना। तो गाइस हम लोगों ने ट्रैक अपना 12 बजे स्टार्ट किया था और अब 5:15 बज गए हैं, और अभी भी 1 घंटे का ट्रैक और बाकी है, क्योंकि हम लोग हर जगह रुक रहे थे, इतने अच्छे व्यूज़ हैं, फोटोज़ लेना वीडियोज़ लेना, बहुत देर हमने टाइम लगाया वहाँ पे। और अभी भी आप देखो क्लाउड्स काफ़ी ऊपर आ रहे हैं, मतलब नीचे भी क्लाउड, वैसे हर जगह क्लाउड्स ऊपर ही आते जा रहे हैं, और ठंड काफ़ी होने लग गई है अभी अभी, शायद थोड़ी देर में एक जैकेट और डालनी पड़ेगी। ट्रैक जितना टायरिंग है व्यूज उतना ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। देखो इतना पीसफुल है ना, यहाँ मन कर रहा है यहीं बैठ जाए। तो वैसे देखो हम लोग कितना ऊपर आ चुके हैं, वहाँ कहीं आपको दिख रही हो वैली, अगर वहाँ से ट्रैक स्टार्ट किया था और
होते 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 हेर, और अभी तो आधा रास्ता भी नहीं हुआ। अभी हमारी जो कैंप साइट है, फर्स्ट कैंप साइट रोला खोली, वो करीब आई थिंक 40-45 मिनट्स हो रहे हैं अगर हम सही पेस पे चलें तो। और उसके बाद में जो ब्रेगू लेक है वो फर्दर सम 3.5 या 4 किलोमीटर है, ये पर मैं वापस कंफर्म कर लूँगा। और उस दिन सेम दिन ट्रैक करके वापस भी आना है। तो आज के ट्रैक में ही हमारी हालत टाइट हो गई, और कल तो हमको जाकर वापस भी आना है। आई डोंट नो कैसे करने वाले हैं। ये यहाँ से काफ़ी अच्छी पीक्स दिखने लग गई, अब ये वाली बहुत सही दिख रही है, लेकिन अब क्लाउड कवर भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है, क्लाउड काफ़ी ऊपर आ रहा है, और अब थोड़ी देर में अंधेरा भी होने वाला है, तो थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। अब ज़्यादा ब्रेक नहीं ले सकते क्योंकि ठंड भी काफ़ी बढ़ती जा रही है, और वे ट्राइंग कि अंधेरा होने से पहले पहुँच जाएँ, क्योंकि अंधेरे के बाद ट्रैक बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मतलब अभी रोशनी है, अभी से ही इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, स्लिपरी भी है थोड़ा, अंधेरा होने के बाद तो नहीं हो पाएगा भाई। अब कहने को तो हमारी मंजिल ब्रेगू लेक है, जो कि अभी भी यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन मेरा सिंपल सा फंडा है, मैं कभी भी डेस्टिनेशन के लिए ट्रैवल नहीं करता, बल्कि उसकी जर्नी के लिए करता हूँ, और इसीलिए रास्ते में बार बार रुककर इस वाइब को एब्जॉर्ब करने में भी मैं कोई कमी नहीं छोड़ता। जहाँ इस तरह का रास्ता आता है ना, वहाँ थोड़ा केयरफुली आना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा स्लिपरी भी है, पत्थर भी ज़्यादा है, और अगर पैर मुड़ता है तो कैसे। अभी क्लाउड ऊपर तक आ गए हैं थोड़े, और विजिबिलिटी भी थोड़ी कम होती जा रही है, और अभी भी हमारा आधे घंटे का ट्रैक बचा है। तो फाइनली हम लोग अपनी कैंप साइट पर पहुँच गए हैं, और अभी काफ़ी ज़्यादा फोगी हो गया, पूरा ठीक से व्यू दिख रहा भी नहीं है, और हमारा जो कैंप है वो कहीं वहाँ और ज़्यादा आगे जा गया है, थोड़ा सा और जाना है। बट फाइनली शाम के 6:40 हो गए, हम लोग को करीब 6 घंटे करीब लग गए इस ट्रैक को करने में, बट इट वॉज ऑल वर्थ इट। ड्रिंकिंग हिमालयन वाटर, ये वहीं एक झरने से भरा था, काफ़ी ठंडा है बट काफ़ी मीठा है। 4 घंटे के ट्रैक को 6 घंटे में कंप्लीट करने के बाद अपने कैंप साइट तक पहुंचने की फीलिंग बहुत ही स्पेशल थी। अब वैसे तो मैं इस ट्रैक पे लाइफ में पहली बार आ रहा था, लेकिन सच कहूं तो कैंप साइट पे पहुंच के ऐसा लग रहा था कि बहुत दिनों बाद अपने पुराने घर पे वापस आ गया हूं। और कैंप साइट पहुँच के सबसे पहली चीज़ जो हमने की वो थी छः घंटे के ट्रैक के बाद गर्म चाय। सो गाइस, हम लोग अपनी कैंप साइट पर पहुँच चुके हैं और चाय वाय पी लिए, अभी बस अपना सामान अपनी कैंप में रखना है, अभी थोड़ा यहाँ सामान रखा हुआ है, अभी आपको कैंप भी अंदर से दिखाएंगे, और थोड़ी देर में डिनर लग जाएगा, डिनर करते हैं, और अब ठंड काफ़ी बढ़ गई है तो थोड़ी लेयरिंग भी इंक्रीज़ करेंगे, और फिर कल निकलते हैं ब्रेगू लेक के लिए। एक्चुअली ये वाला जो रास्ता दिख रहा है ना, ये वाला रास्ता जाएगा ब्रेगू लेक के, एक रिवर क्रॉस करनी है वहाँ पर। अभी यहाँ हमारे अलावा भी काफ़ी सारे कैंप्स लगे हैं, और आते टाइम तो भी थोड़ा काफ़ी सेक्लूडेड सा एक्सपीरियंस था, बट कल थोड़ा क्राउड होने वाला है, और ये सब के सब आई थिंक कल ही जाने वाले हैं ब्रेगू लेक ट्रैक के लिए। तो गाइस, हमारा डिनर लग गया है, और डिनर में देखो रोटी है, दाल है, आलू की सब्ज़ी है, चावल है, काफ़ी सही डिनर है। लंच अभी तक जितना भी मिला है, जो हमको पैक लंच भी लिया था वो भी काफ़ी अच्छा था, ब्रेकफास्ट भी काफ़ी अच्छा था, डिनर भी काफ़ी अच्छा है, तो फूड में कोई दिक्कत नहीं है, और ट्रैक तो शानदार है ही। सो गाइज, रात के 9 बज रहे हैं और मैं अपने टेंट में आ चुका हूँ, और डिनर कर लिया है, और क्योंकि हम सिर्फ 3 ही लोग हैं इस ग्रुप में तो सबको अपने इंडिविजुअल टेंट्स मिले हुए हैं, तो सब आराम से अपने एकदम फैल के सो सकते हैं। और कल का दिन काफ़ी लंबा होने वाला है, कल हमें सुबह 6:30 तैयार रहना है, ब्रेकफास्ट वगैरह करके 7 बजे तक निकलना है, और कल ब्रेगू लेक तक का ट्रैक करना है, और फिर वापस भी आना है, तो कल का दिन भी काफ़ी ज़्यादा टायरिंग होने वाला है। तो अभी बस सोते हैं क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, और आज भी काफ़ी स्टीप एसेंट था तो थकावट काफ़ी हो गई है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। गुड नाइट।